हाँ जी जनाब, की हाल चाल है तुम्हारे? होप यू आर डूइंग वेल। तो जी, जो आज की वीडियो है वो इन दोनों के ऊपर है। ये है मंचली, ये है मंचला। ये दोनों मैरिड है। मंचली कनाडा आई थी स्टडी वीजा के ऊपर, और मंचला जो आया था वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आया। तो ये दोनों ने वीजा अपना कैसे लगाया, साथ में लगाया या अलग अलग लगाया, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो जी चलो शुरू करते हैं। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्या स्पाउस वीजा और स्टडी वीजा ये दोनों साथ में लगाना चाहिए या फिर अलग अलग लगाना चाहिए। तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं इस शॉर्ट में, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, शॉर्ट में जवाब दे। तो जी, एज पर दी कैनेडियन गवर्नमेंट और CIC वेबसाइट जो है उसके अंदर ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप जो वीजा है वो साथ में फाइल नहीं कर सकते हो। आप वीजा जो है वो साथ में फाइल कर सकते हो, बट अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है अपार्ट फ्रॉम आपकी जो दो सेमेस्टर की फी है, आपका GIC है, ये सब आपने पे कर दिया है, और उसके बाद आपके पास 8 से 12 लाख रुपया आपके अकाउंट में लिक्विडेटेड फंड पड़ा हुआ है, और आपकी जो मैरिज है वो पुरानी है, जेन्युइन है, आपके पास सब प्रूफ्स हैं, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। स्टडी वीजा लो और साथ में उसके बाद स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगा दो, ताकि एटलीस्ट स्टडी वीजा आपके पास हो और फिर आपके पास स्पाउस वीजा भी आ जाए और आप दोनों साथ में यहाँ पे आओ। बट मैंने जो देखा है कि इंडिया से जो कपल्स आते हैं वो साथ में बहुत रेयर, मुझे मैंने नहीं सुना है कि दोनों कपल और जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जो स्पाउस और स्टडी वीजा पे आए हैं, वो दोनों साथ में यहाँ पे आए हो, ऐसा मैंने अपने नोन में कहीं नहीं सुना है। लेकिन हाँ, अदर कंट्री के मैंने सुने हैं, जैसे मेक्सिको के मैंने सुना है कपल किट के साथ में यहाँ पे आए हैं, फिर फिलिपिन कपल है एक नोन में, वो साथ में आए हैं, वो उनके भी किड है साथ में। तो इंडिया का बट मैंने कोई कपल नहीं देखा है जो स्पाउस ओपन बुक परमिट पे हो और स्टडी वीजा पे हो और दोनों साथ में यहाँ पे एंटर किया हो कनाडा में। जो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा जो रिकमेंडेशन वो ये है कि अगर आपके पास रेडी है सब फंड्स वगैरह, सब डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है वो सब कुछ रेडी है, तो स्टडी वीजा पे पहले जो स्पाउस आने वाला है वो यहाँ आ जाए, वो यहाँ से एनरोलमेंट लेटर ले, जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलता है, इमिडिएटली लेके वो अपने स्पाउस इंडिया को भेजो, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, वो इमिडिएटली अपनी फाइल पुट अप कर दे। कोई ज़रूरत नहीं है एक सेमेस्टर वेट करने की। बहुत लोग कंसल्टेंट वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक सेमेस्टर रुकना पड़ेगा आपको, तभी आपकी फाइल पुट अप कर सकते हैं जी, उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो। गलत है बहुत ये, जो रिकमेंड करते हैं, जो सजेशन देते हैं वो बहुत गलत सजेशन देते हैं। आप इमिडिएटली अपनी फाइल पुट अप कर सकते हो जब आपका स्पाउस यहाँ पे आ जाता है, एनरोलमेंट लेटर ले लेता है, उसके बाद आप अपनी फाइल पुट अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, सब अप्रूवल मिल जाता है। मैंने ऐसे ही किया था, मेरी जो फाइल है वो मैंने पुट अप की थी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर ओवर होने का वेट नहीं किया था वाइफ के, और मैंने अपनी फाइल जो है यहाँ पे वाइफ के आने के एक महीने के अंदर मैंने पुट अप कर दी थी, और अगले 10 दिन के अंदर मेरा वीजा आ गया था। ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर पेंडेमिक। अभी जो है वो वेरी करता है क्योंकि सब कुछ अभी डिस्टर्ब्ड है पेंडेमिक की वजह से, तो उसकी वजह से कुछ बोल नहीं सकते कितना टाइम लगता है, बट पहले ये प्रोसीजर था। इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपकी मैरिज है वो नई है, आप अगर आपका शॉर्ट स्टे का जो है वो प्रॉब्लम है, अगर आपकी वीज़ा आ गया है उसके बाद शादी हुई है, तो इस केस के अंदर आप थोड़ा वेट करो और फिर अपनी फाइल पुट अप करो, क्योंकि ताकि आप अपनी जो मैरिज को जेन्युइन प्रूफ कर सको, उसके लिए आपको एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो एविडेंस इकट्ठे करो और फिर आप अपनी फाइल पुट अप करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आज की जो वीडियो थी इसी के ऊपर थी कि क्या हमें साथ में लगाना चाहिए वीजा या अलग अलग लगाना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी फाइल अलग अलग लगाओ, ताकि एक वीजा आपके पास आ जाए और दूसरा वीजा जो है वो स्पाउस यहाँ पे आने के बाद एक जो डॉक्यूमेंट है एनरोलमेंट लेटर वो आपको भेजे, और फिर आप अपनी फाइल पुट अप करो, तो आपके हाईली चांसेस है कि आपका वीजा जो है अप्रूव हो जाएगा
अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन राइट है, जेन्युइन है और एज पर दी कैनेडियन गवर्नमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग वीडियो को देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं सबका जवाब देता हूँ। अगर मैं जानता हूँ उसका आंसर तो मैं उसका जवाब देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और एज़ पर द कैनेडियन गवर्नमेंट CIC की साइट के हिसाब से अगर वो मुझे पता है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। और दोनों फिर यहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं ना। मंचली मंचला रेंट नहीं दिया उन्होंने मेरे को।